बिहार में शिक्षकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर नीतीश सरकार अब थोड़ी भी ढिलाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से लेकर अब शिक्षकों की उपस्थिति पर सरकार की नज़र है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। टीचर से शिक्षण कार्य लेने की हिदायत सभी प्रिंसिपल्स को दी गई है। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बगैर सूचना दिए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने गैर हाजिर शिक्षकों के बारे में प्रत्येक दिन का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बुधवार को आदेश जारी किया है। निदेशक ने बताया कि काफ़ी लंबे अरसे बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण आरम्भ हुआ है। ऐसे में शिक्षकों की 100% उपस्थिति और उनसे शिक्षण कार्य लेने की हिदायत सभी प्रिंसिपल्स को दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से स्कूलों को बंद रखा गया था। अब स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में अगर बिना सूचना दिए शिक्षक गायब पाए गए तो ऐसे शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बीते शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिलों को आदेश दिया था। उन्होंने हर जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार समेत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया था कि कुछ जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की गैर हाजिरी की सूचना जिला अधिकारियों से मिली है। ये गंभीर मामला है। गैर हाजिर रहने वाले शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ निलंबन समेत अन्य अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब हो कि अब बिहार में शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर नीतीश कुमार की सरकार थोड़ी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को हर दिन विद्यालय आना है। अगर कोई भी शिक्षक बिना आदेश लिए या फिर बिना बताए एब्सेंट हो गए, गैर हाजिर हो गए, तो उनके ऊपर सीधा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से लेकर अब शिक्षकों की उपस्थिति पर सरकार की नज़र टिकी हुई है और इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।